हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी SSSC से रिलेटेड जिस इन्फॉर्मेशन का इंतजार बहुत लंबे समय से स्टूडेंट को था, वो आज आ चुकी है। और यूपी SSSC ने मंडी परिषद प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की जो डेट है, एग्जाम डेट, उसको अनाउंस कर दिया है और ऑफिशियल साइट पर यूपी SSSC की इसका नोटिस चिपका दिया गया है। तो देख लेते हैं इस एग्जाम को कब कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, 30/5/2019 गुरुवार को दो पालियों में 10 से 12 तथा 3 से 5 के बीच में, ये दो पालियों में एग्जाम 15 जनपद में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय से इंतजार था सभी को इस इन्फॉर्मेशन का, तो आज ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आज यानी 15 मई को ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और हम सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। तो टोटल 284 पदों के लिए विज्ञप्ति थी जिसकी परीक्षा होनी है और इस एग्जाम होना है। अब काफ़ी कम समय बचा है, तो आइए इसके साथ साथ हम इसका सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, क्या सिलेबस रहेगा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का। तो आइए देख लेते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन जो है 400 अंकों के होंगे, यानी 400 मार्क्स के होंगे। और टाइम कितना होगा परीक्षा का? 2 घंटे होगा। तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। चार पार्ट हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें 50 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न होंगे जो भाग दो है, भाग तीन में सामान्य विज्ञान एवं अंक गणित की चर्चा की गई है तो इसमें भी 50 प्रश्न होंगे, और चौथा भाग है सामान्य हिंदी जिसमें 50 प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे और 400 अंकों का होगा, समय अवधि होगी 2 घंटा। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और वो निगेटिव मार्किंग कितनी है? 50%, यानी अगर आपके 2 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न का अंक कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से तैयारी करना है और बहुत ध्यान से मजबूती से एकदम करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए पेपर में भी ये ध्यान रखते हैं कि गलतियां कम से कम करनी है। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत बना लें और पेपर में इस बार जो है आपको ये पद जरूर अवश्य मिले, इसी बात की शुभकामनाओं के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।